मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने एक छापामार कार्रवाई करते हुए पटवारी सुरेंद्र सिंह परिहार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि पटवारी के पास से रिश्वत के 35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। लोकायुक्त टीम के डीएसपी राघवेंद्र ने बताया कि जगमोहन प्रजापति ने कुछ दिन पूर्व शिकायत की गई थी। वहीं पटवारी सुरेंद्र परिहार ने नामांतरण के नाम पर 80,000 रुपए की डिमांड की थी, जो मामला 45,000 पर निपट गया था, जिसमें उसकी 20 बीघा जमीन के 5 प्रकरण थे, जिसके लिए 10,000 रुपया पटवारी ने पूर्व में ही लिए जा चुके थे, जबकि बाकी के 35,000 रुपए के लिए पटवारी को फरियादी को कलेक्ट्रेट के पास सनवेली के पास बुलाया था। फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। हमारे पास 9 तारीख को फरियादी जगमोहन प्रजापति के द्वारा एक रिपोर्ट की थी, जिसमें उसने बताया था कि सुरेंद्र सिंह परिहार पटवारी बनवार तहसील चीनों के जो यहाँ सनवेली में रहते हैं, उन्होंने उससे 80,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से कि आज 80,000 रुपये की डिमांड हुई थी और 80,000 रुपये की डिमांड होते होते 45,000 पर मामला तय हुआ था, जिसमें उसके 5 प्रकरण थे। 5 प्रकरण में नामांतरण होना था, करीब 20 बीघा जमीन थी। कुछ नहीं, मेरा एक नामांतरण की फाइल थी और 2 मेरे भाई की थी और 1 मेरे चाचा के लड़का की थी, 1 मेरे बहन के ससुर की थी, तो इनके एवज में 80,000 रुपये मांग की थी इन्होंने। तो मेरा 9 तारीख को इनसे मेरा मतलब तय हो गया था 45,000 रुपये में, तो मैंने 10,000 रुपये एडवांस के तौर पर दे दिया था। बाकी पैसा आज 30 तारीख को मैंने इनको दे दिया है और सलेन प्रजापति गिरफ्तार लोग अब टीम ने कर लिया।